हाँ जी, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया आपने? अच्छे से चेक तो किया है ना आपने नेटवर्क मार्केटिंग को? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे मार्केट में बहुत सारे फर्जी सिस्टम चलते हैं, जिनका नाम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है लेकिन काम सिर्फ आपका पैसा लूटना है। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आई होप आपने नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान सब कुछ चेक कर लिया है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस वंडरफुल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, जो आपके और आपके पूरे परिवार के सपनों को हमेशा के लिए हकीकत में बदल सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको 50 साल का पैसा 5 साल में मिल सकता है, लेकिन 50 साल की मेहनत भी आपको 5 साल में करनी पड़ेगी। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये कोई रातों रात करोड़पति बनने वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे डेडिकेशन से मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सीखना है, कैसे सीखना है और क्या करना है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। मैं आपको सारी चीजें, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रिंसिपल चाहिए, वो सभी के सभी इस एक वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो के स्किप मत करना, क्योंकि टोटली इस वीडियो के अंदर क्रीम मिलेगी दोस्तों। एक सेकंड भी स्किप मत करना, डायरी पेन लेके बैठ जाना और साइलेंट जोन में जाके बैठना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर माइंडसेट से लेके क्लोजिंग से लेके सफलता तक सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, वहां पे आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे लर्न करना है, क्या क्या लर्न करना है। सबसे पहली लर्निंग है दोस्तों माइंड सेट की। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद पहला कदम है माइंड सेट। अगर आपने इस बिजनेस में माइंड सेट नहीं बनाया, तो कोई कलाकार आपको आके ऐसी सलाह देगा जिसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देंगे। ऐसी ऐसी सलाह आपको मिल सकती है फ्री के अंदर। माइंड सेट बनाना है कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना है, वजह क्या है, आपको वाई क्लियर करनी है और एक विजन बनाना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए कितनी जरूरी है, मेरे परिवार के लिए कितनी जरूरी है। दोस्तों याद रखना, मार्केट में ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, इतने ज्ञानी लोग मिलेंगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एन भी नहीं पता, फिर भी वो बहुत सारी सलाह आपको दे देंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, पहले माइंड सेट से शुरुआत करनी है। अब दूसरा कदम, लिस्ट बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों, रिक्रूटमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट कैसे बनानी है, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है, एक लिस्ट तैयार करिए। कभी ये मत सोचना कि ये करेगा ये नहीं करेगा, इसको तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, ये तो नहीं करेगा। आपको लिस्ट बनानी है और वो लिस्ट बनने के बाद एक एक्टिविटी करनी है। 20 लोग अलग से छंटनी कर लेना, ऐसे 20 लोग जिन पे आपको पूरा भरोसा है कि ये कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले उनको अप्रोच करना है, सबसे पहले उनके साथ मीटिंग करनी है। तो लिस्ट आपको इस तरीके से बनानी। लिस्ट बनाने के बाद अगला नंबर आता है इनविटेशन पे। दोस्तों, इनविटेशन एक ऐसी स्किल होती है जहां पे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है कि क्या नहीं करना है। इनविटेशन में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। जैसे किसी को इनवाइट करते हैं, एक्साइटमेंट इतनी होती है कि वो फोन करके बोलते हैं कि सर आज शाम के 5 बजे एक जबरदस्त कंपनी का एक जबरदस्त वेबिनार है, वहां पे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, आप जरूर उसको ज्वाइन करना। दोस्तों, कुछ चीजें इन्विटेशन में ध्यान रखनी है। कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि कुछ फर्जी सिस्टम जो ऑलरेडी चले थे, जिन्होंने इसी प्रकार के नाम लेके इन नाम को बदनाम कर दिया। इनविटेशन के अंदर 3 चीजें हमेशा याद रखना। आपका इनविटेशन शॉर्ट यानी कि छोटा सा इनविटेशन होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस इनविटेशन के अंदर, और आपके इनविटेशन के अंदर उस वेबिनार की इंपॉर्टेंस समझ आ जानी चाहिए उस व्यक्ति को जिसको भी आप इनवाइट करते हैं। ये 3 चीजें हमेशा याद रखना, यानी कि शॉर्ट, क्यूरियोसिटी, इंपॉर्टेंस, ये 3 चीजें हमेशा याद रखना। आप एग्जैक्ट क्या बोलना है, एक तरीका बताता हूं। मान लीजिए आप इनवाइट करते हैं, आपके पास वो लिस्ट है जिनको ऑलरेडी आप
जानते हैं, यानी कि आपसे कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो आपसे बड़े हैं, आपके लिए सम्माननीय हैं और जिनकी आप कदर करते हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको बताने में आपको हिचकिचाहट होती है। मान लीजिए आपने उनको फ़ोन किया, उनको बोला कि अंकल जी मैंने अभी अभी एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि उस काम को मैं करूँ कि ना करूँ। आज शाम के 5 बजे एक 30-40 मिनट का एक वेबिनार होगा जिसमें पूरा बताया जाएगा कि ये सिस्टम क्या है, किस बेस पे वर्क करता है, कैसे काम करता है, सारी डिटेल होगी। आप मुझे सलाह देना कि मैं इस काम को करूँ कि ना करूँ। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपने इन्वाइट किया तो वो अंकल जी, वो आपसे बड़े लोग जरूर उस मीटिंग के अंदर बैठेंगे। अब उनकी बात करते हैं जो आपके बराबर के हैं, जो आपके दोस्त हैं। जब भी इनविटेशन के लिए फोन करें, आपके अंदर एक अलग सा एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपको उनको क्या बोलना है हमेशा याद रखना, यहां पे भी सोट रखना है। हेलो राहुल, कहां है? आज शाम के 5 बजे 30 मिनट के लिए फ्री रहना, तेरे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। मैं शाम के 5 बजे एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे 30 मिनट तक कंसिस्टेंट तेरे को सुनना है, फिर मैं तेरे को बताऊंगा कि ये काम क्या है और किस तरीके से हमें मिलकर करना है। यहां पे अगर आपने कंपनी का नाम ले लिया कि सोचो यार ये तो दोस्त है, इसको तो बता देता हूं, तो भी यहां पे इनविटेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने नाम बताया तो वो पहले YouTube पे जाएगा। YouTube पे वो कलाकार मिलेंगे जिनको NB नहीं पता, जो सिर्फ लालची लोग हैं व्यूज पाने के लिए। वो सिर्फ कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे अगर नेगेटिव वीडियो बनाऊंगा तो जरूर चलेगा, इतना ही ज्ञान है उनके पास। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी, कंपनी, किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं लेना, हमेशा याद रखना दोस्तों, इनविटेशन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों इस बात को, क्योंकि इनविटेशन सबसे ज़्यादा इसी वजह से फेल होते हैं, तभी आपके साथ वेबिनार के अंदर कोई कनेक्ट नहीं करता है। तो आपने माइंडसेट बना लिया, लिस्ट बना ली, इनविटेशन भी कर दिया, अब बात आती है फॉलोअप की। ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना, फॉलोअप ही एक ऐसा कदम है जो अगले कदम पे आपको बाय डिफॉल्ट लेके जाता है। फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, इनविटेशन कर देते हैं, लिस्ट भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वेबिनार अटेंड करवा देते हैं, लेकिन फॉलोअप करने में कंजूसी कर देते हैं, यानी कि उनको फॉलोअप नहीं करते हैं। तो याद रखना, फॉलोअप करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपने इस बिज़नेस के अंदर ये सारे काम किए हैं। ये सारे काम एक तरफ, फॉलोअप एक तरफ, फॉलोअप हमेशा करना है दोस्तों, क्योंकि कोई इंसान अगर आपका वेबिनार देख लेगा 24 घंटे फॉलोअप नहीं किया तो क्या सुना क्या नहीं सुना वो सब कुछ भूल जाएगा। फॉलोअप किस तरीके से करना, क्योंकि फॉलोअप में भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, वाकई बहुत सारी गलतियां हो जाती है फॉलोअप के दौरान। कुछ लोग क्या करते हैं, मीटिंग के तुरंत बाद फ़ोन करते हैं कि अब वेबिनार देख लिया, वेबिनार कैसा लगा तेरे को, आज के वेबिनार के अंदर तेरे को कितना मज़ा आया, अब तू बता बिलिंग कब कर रहा है। जैसे आपने बिलिंग के लिए बोला, उसके माइंड पे बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा और वो किसी न किसी से सलाह लेना शुरू कर देगा कि यार अभी अभी रमेश ने मेरे को ये मीटिंग दिखाई थी, अब वो कह रहा है 30,000 का सामान ले ले, तो मैं क्या करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस वहाँ बहुत सारे कलाकार बैठे हैं, जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं सुनने देंगे उनको। अब आपका फ़ोन नहीं उठाएगा वो कभी भी, वो दोस्त है फिर भी फ़ोन नहीं उठाएगा। फॉलोअप के अंदर हमेशा याद रखना, जैसे ही फॉलोअप करें मीटिंग के बाद, उनको एक ही बात बोलना, हेलो राहुल, तूने जो अब तक सीखा है वो एक इन्फॉर्मेशन थी, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मात्र थी, अब हमें काम करना है कि नहीं करना है तेरे को डिसाइड बाद में करना। मैं तेरे को 3 वीडियो भेजता हूँ। पहला वीडियो होगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, जहाँ पे पोटेंशियल पता लगेगी कि प्रोडक्ट में कितना दम है। उसके बाद तेरे को भेजता हूँ इसकी मार्केटिंग प्लान की, ताकि तेरे को समझ आए कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उसके बाद भेजूँगा तेरे को प्रोफाइल की, ताकि तेरे को इस कंपनी के बारे में पूरा पता लगे। 3 चीज़ें भेज दी आपने। उसके बाद अगला फॉलोअप करे कि राहुल, इन 3 वीडियोज के अंदर तेरे को सबसे बेस्ट इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में बेस्ट क्या लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा। वो जरूर आपको एक चीज बोलेगा, चाहे वो प्रोडक्ट का बोले, मार्केटिंग प्लान का बोले, प्रोफाइल का बोले। अब आप यहां पे अगला स्टेप शुरू कर सकते हैं, जो है क्लोजिंग करना। अब अगला नंबर है क्लोजिंग करना। दोस्तों, सब कुछ किया, लिस्ट बनाई, फॉलोअप किया, इनविटेशन की, सब कुछ किया, क्लोजिंग अगर नहीं होगी तो वो सारा काम जीरो है।
क्लोजिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोजिंग की एक ज़बरदस्त टेक्निक बताता हूँ। क्लोजिंग इस पूरी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट परचेज होता है, एक साइकोलॉजी हमेशा समझना कि वो बिना अर्जेंसी के क्लोजिंग नहीं होती। और नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली टोटली अर्जेंसी पे ही काम होता है, अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लोजिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको अर्जेंसी पे फोकस करना पड़ेगा, और अर्जेंसी एक बिल्कुल अच्छा वे हो सकता है। दोस्तों मान लीजिए मैंने किसी को फ़ोन किया, हेलो राहुल, तूने सब कुछ देख लिया, सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, अब बात आती है इस बिज़नेस को शुरू करने की, तो मैं तेरे को बता दूं मैं इस महीने सिर्फ 5 लोगों की रिक्रूटमेंट करूंगा, जिसमें ऑलरेडी मैं 3 लोगों को रिक्रूट कर चुका हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकता, 5 लोगों तक ही मैं सपोर्ट कर पाऊंगा, ताकि मैं अपने सीनियर की मेंटोरशिप तेरे को दिला सकूं, वो तेरे को डायरेक्शन दे कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और मेरे सीनियर ये करते हैं, ये अचीवमेंट है। तो आपको पूछना है कि कब तक ये लेवल तू अचीव कर लेगा, आज शाम तक कर लेगा या कल शाम तक कर लेगा, मैक्सिमम कल शाम तक का ही मेरे पास समय होगा, तो तू मेरे को कन्फर्म बता कि कब तक तू पहला लेवल अचीव कर लेगा, ताकि मैं उसी हिसाब से तेरे नाम की सीट को मैं रिजर्व कर लूँ, तेरे नाम की रिक्रूटमेंट को मैं बुक कर लूँ, ताकि मैं किसी दूसरे को रिक्रूट ना कर सकूं। अब आपने यहाँ पे एक कमिटमेंट ले लिया, और कमिटमेंट के बाद ही क्लोजिंग होती है दोस्त। अगर आपने फ्री में छोड़ दिया कि तूने सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, अब तेरा मन करे तब तू क्लोजिंग करना, तो मन कभी नहीं करेगा। जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं होगी तब तक कोई भी इंसान क्लोजिंग नहीं करेगा। इस दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट तब बिकते हैं जब ऑफर निकलता है, और ऑफर का असर तब होता है जब उस ऑफर में लिमिटेड टाइम होता है कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इतना ही इस ऑफर के लिए टाइम है। तो याद रखना, अर्जेंसी क्रिएट आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों कोई भी बिगनर्स अगर इन 5 पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर लेगा, वो कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तभी वो इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। तो अगर आप अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनको जरूर भेजिए। वो इन 5 चीज़ों पे जब फोकस करना शुरू कर देंगे तो 100% उनका रिजल्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों क्या आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है? वहाँ पे आपको डायरेक्टली वीडियोज मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके उस चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको डायरेक्टली वीडियोज मिलती रहेगी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, किसी का भला हो सकता है। दोस्तों तो आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।